एफएम न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। गुजरात के मोरबी पुल हादसे के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोरबी ब्रिज गिरने की घटना ने गुजरात के नाम को शर्मसार कर दिया है और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पुल हादसे के लिए सरकार की ओर से अभी तक किसी ने माफी तक नहीं मांगी है और ना ही किसी ने इसकी जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले हुए पुल हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी। पी चिदंबरम प्रधानमंत्री मोदी पर भी तंज कसा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गुजरात की सरकार वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं चलाई जाती बल्कि ये दिल्ली से संभाली जाती है। इस दौरान चिदंबरम ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यदि आप दिल्ली में हवा की गुणवत्ता पर विश्वास करते हैं तो आप गुजरात में अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं देंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने टेरर फंडिंग मामले को लेकर अपनी चार्जशीट में बड़ा खुलासा कर दिया है। एनआईए ने बताया है कि दाऊद और उसके सहयोगी छोटा शकील एक बार फिर से भारत पर आतंकी हमले करवाने की फिराक में लगे हैं। एनआईए के अनुसार दाऊद ने ही इसके लिए हवाला के जरिए पाकिस्तान से दुबई के रास्ते सूरत और फिर मुंबई में 25 लाख रुपए भेजे हैं और ये रुपये आरिफ शेख और शब्बीर शेख को भेजे गए हैं। इस तरह से लेकर अगर बात की जाए तो दोनों ने ही पिछले 4 साल में हवाला के ही जरिए 12 से 13 करोड़ रुपए भेजे हैं। गवाह सूरत का एक हवाला ऑपरेटर है जिसकी पहचान सुरक्षा कारणों से गोपनीय रखी गई है और बताया जा रहा है कि बयान में कहा गया है कि जांच के दौरान ये पता चला है कि राशिद मरफानी उर्फ राशिद भाई दुबई में ही वांछित गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के पैसों को भारत भेजने के लिए हवाला मनी ट्रांसफर का काम स्वीकार करता था। चार्जशीट में ही दाऊद शकील उसके साले सलीम और फ्रूट आरिफ शेख और इसके साथ ही शब्बीर शेख को नामजद किया गया है। अंतिम तीन को गिरफ्तार किया गया है और एएनआई ने भी अपने आरोप पत्र में बताया है कि कैसे 25 लाख रुपए पाकिस्तान से आतंकवादी गतिविधियों के लिए भारत भेजे गए हैं। इसके साथ ही ये भी दावा किया गया है कि शब्बीर ने 5 लाख रुपए रखे थे और बाकी आरिफ को एक गवाह के सामने दिए थे। एनआईए ने कहा है कि ये ध्यान रखना उचित है कि 9 मई 2022 को उनके घर की तलाशी के दौरान शब्बीर से 5 लाख रुपए बरामद किए गए थे। हरदोई में बीजेपी विधायक ने यौन शोषण और दलित एक्ट पर सवाल उठा दिए हैं और विधायक ने कन्नौज से प्रकाशित हुए एक समाचार की कटिंग लगाकर फेसबुक पर पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस अदालत और ये निर्णय देने वाले जज को सल्यूट। आजकल महिला उत्पीड़न, यौन शोषण और दलित उत्पीड़न के लगभग 90% मुकदमे झूठे, अपने विरोधी को फंसाने और सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले धन के लालच में लिखाए जा रहे हैं। दोनों कानूनों में संशोधन की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि ज्यादातर निर्दोष सजा काट रहे हैं। 164 का बयान प्राप्त और अंतिम सबूत ना माना जाए क्योंकि इसमें कोई भी झूठ बोल सकता है, ये उससे झूठ बुलवाया जा सकता है। आपको बता दें कि इसको लेकर ही प्रकाश में भारतीय जनता पार्टी के ही गोपाल मऊ विधायक हैं और वहीं विधायक का सोशल मीडिया पर ही अक्सर ऐसी पोस्टों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इसी पूरी खबर पर हमारे संवाददाता हरदोई से मोहम्मद आशिफ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद, भाजपा विधायक ने दलित एक्ट पर सवाल उठा दिए हैं, क्या अपडेट है? जी, आपको बताते चले, ये गोपामाऊ विधानसभा से भाजपा विधायक हैं जो अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं अपने फेसबुक ट्विटर अकाउंट के जरिए। इन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें इन्हें सवाल उठाया है कि कन्नौज से प्रकाशित हुए एक समाचार पत्र की कटिंग लगाकर फेसबुक पर लिखी पोस्ट। विधायक ने पोस्ट में लिखा है, इस अदालत और यह निर्णय देने वाले जज को सलूट। आजकल महिला उत्पीड़न, यौन शोषण तथा दलित उत्पीड़न के लगभग 90% मुकदमे झूठे, अपने विरोधी को फंसाने और सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले धन के लालच में दिखाए जा रहे हैं। ये अधिकतर इसी तरह की भी पोस्टें वायरल करते रहते हैं अधिकतर। आशिफ, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें इन्होंने कहा है पोस्ट में कि जो न्याय है वो नहीं मिल पाता है और बेकसूर को इसमें सजा दी जाती है, तो इसमें कितने तक सच्चाई देखने को मिल पा रही है?
जी खैर, हालांकि जो पोस्ट की है उसमें अधिकतर ऐसे ही है कि 90% मामले जो है झूठे पाए जाते हैं। जितने भी यौन शोषण संबंधित मामले होते हैं वो अधिकतर झूठे ही साबित होते हैं। आशिम, विपक्ष की तरफ से कोई इस पर पलटवार किया जा रहा है पोस्ट के बाद? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। हालांकि अगर कुछ ऐसा आता है तो अपडेट करते हैं। जी आशिम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। चले रुक करते अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर उत्तराखंड से भी कई नेताओं की ड्यूटी हिमाचल प्रदेश चुनाव में लगाई गई है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को भी हिमाचल प्रदेश चुनाव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और हिमाचल प्रदेश चुनाव के भ्रमण के बाद ही राजधानी देहरादून पहुंचे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि हिमाचल की जनता समझ चुकी है कि हिमाचल प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार दोबारा चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में ही केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर विकास के कार्य किए हैं उसको लेकर जनता एक बार फिर बीजेपी पर हिमाचल प्रदेश में भरोसा करने वाली है। नतीजे इस बार भी हिमाचल प्रदेश में चौंकाने वाले होंगे। लोग करने की कोशिश करते हैं, पर आम जनता से जो मैं व्यक्तिगत कल बहुत लोगों से मिला हूं, सबका यही कहना है कि जिस प्रकार से देश का स्वाभिमान विश्व के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है और सब प्रकार से हम मजबूत हुए हैं, वो रक्षा की दृष्टि से होगा, वो आर्थिक क्षेत्र में होगा, वो कृषि के क्षेत्र में होगा, सब प्रकार से प्रयास हुए हैं हर वर्ग को विकास में सहभागिता करने का लाभ मिला है। तो इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता देहरादून से सुभाष गौड़ जुड़ चुके हैं। सुभाष, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कह दिया है कि हिमाचल की जनता समझ चुकी है कि हिमाचल प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार दोबारा चाहिए, तो इसको किस तरह से देख रही है जनता? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर उत्तराखंड के जो बड़े चेहरे हैं यानी कि उत्तराखंड के जो बड़े नेता हैं उनकी जिम्मेदारी भी हिमाचल प्रदेश चुनाव में लगाई गई है, जिसमें तमाम राज्यसभा सांसदों के साथ मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों की भी जिम्मेदारी लगाई गई और साथ ही ये कहा जा सकता है कि कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उत्तराखंड में निभा रहे हैं उन लोगों की जिम्मेदारी भी हिमाचल प्रदेश में लगाई गई है। तो लेकिन हिमाचल प्रदेश के रहने के बाद राज्यसभा सांसद ये कहा जा सकता है कि बंसल जब यहाँ पहुंचे उत्तराखंड में तो उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से ये साफ हो चुका है कि एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो भी समझ चुकी है कि उनको डबल इंजन की सरकार बेहतर काम दिला सकती है, बेहतर प्रदेश का विकास कर सकती है। और सभा सांसद ये भी कह रहे हैं कि नतीजे इस बार भी हिमाचल प्रदेश में चौंकाने वाले होंगे, तो किस तरीके से देखा जाए इसे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से नरेश बंसल ने बताया कि प्रदेश में जो उत्तराखंड में जिस तरीके से चौंकाने वाले फैसले देखने को मिले थे उसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी चौंकाने वाले फैसले देखने को मिल सकते हैं और एक बार डबल इंजन की सरकार फिर से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाती हुई नजर आएगी। हालांकि विपक्ष जरूर इसको लेकर कई बातें करता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश में कमजोर है और यही वजह है कि उत्तराखंड से तमाम जो बड़े चेहरे हैं, खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री आज हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं और चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो यही वजह मानी जा सकती है कि लगातार जो विपक्ष है वो जरूर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है, लेकिन सरकार उत्तराखंड की और सरकार के तमाम जिन नेता हैं, संगठन के लोग हैं, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती हुई उनको दिख रही है। जी जी सुभाष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बस्ती में गौकशी में पुलिस की मिली भगत का खुलासा हुआ है, जिसमें दरोगा समेत 20 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि एसपी आशीष श्रीवास्तव ने लापरवाही बरतने पर एसएचओ सोनहा और एसआई समेत चार को
निलंबित भी कर दिया है। आपको बता दें कि बस्ती में गोकशी को लेकर उग्र हुए हिंदू संगठनों के बाद सोनहा पुलिस हरकत में आई है और पुलिस की सह पर ही गोकशी उजागर होने पर ही हिंदू संगठनों ने देर रात तक हंगामा किया है और तब जाकर हिंदू संगठनों और ग्रामीणों की बढ़ती भीड़ को देखकर ही सक्रिय पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दिनांक 7 नवंबर को थाना सोनहा के गदापुर चक गांव में प्रातः 10 बजे एक गोवंश के मृत अवस्था में पाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। इससे पहले कि पुलिस वहां पर पहुंचती, वहां के नागरिकों के द्वारा गोवंश को वहां पर दफना दिया गया था, किंतु बाद में आसपास के अन्य प्रबुद्ध नागरिकों के द्वारा विरोध किए जाने पर और गोकशी की सूचना दिए जाने पर SDM भानपुर और SHO सोनहा और पुलिस उपस्थिति में उस दफन किए गए बस्ती से संवाददाता पारसनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पारसनाथ, जिस तरह से गोकशी में पुलिस की मिली भगत का खुलासा किया गया है, इसको लेकर अपडेट क्या सामने आ रही है अभी? जी, ये मामला सोनहा थाना जैसे गढ़ापुर का मामला है, जहां पर एक गोवंश जो है दिन में मृत मिला पड़ा था, तो गांव के लोग ये आशंका लगा रहे थे कि इस गोकशी की गई है, तो उन लोगों ने सूचना भी दिया थाने पर और सूचना देने के बाद थाने पर थानेदार गए, ना कोई सिपाही गया। लेकिन कुछ देर के बाद जब गांव के ज्यादा लोग इकट्ठा हुए तो यहां से सूचना पहुंची कि एक सिपाही और एक वहां के जो हल्का दरोगा है वो दोनों लोग पहुंचे और गांव के लोगों को मिल करके जो है उसको दफन करा दिए। लेकिन जब ये गोकशी का मामला पूरा जो हिंदू संगठन है इनके संज्ञान में आया तो हिंदू संगठन के लोग मिल करके जो है उस पर विरोध करने लगे कि गोकशी हुई है और यहाँ गोकशी होती है, यहाँ पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, हमारे लोगों ने जानकारी दिया, तो बवाल बढ़ता देखते हुए जो है फिर वहाँ भारी पुलिस बल लगाई गई और उसको यहाँ कप्तान ने उसको जांच कराया। जांच में जो है वहाँ के SHO और वहाँ के जो हल्का सिपाही और हल्का के जो दरोगा हैं उनकी भूमिका जो संदिग्ध लगी तो उस आधार पर उन्होंने तुरंत इन तीन लोगों को सस्पेंड कर दिया है और लगभग 18 लोगों के खिलाफ जो है नामजद और सैकड़ों के नाम के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। जी पारसनाथ, जिस तरह से खबर है कि वहां पर लोग मौजूद थे जिन्होंने हंगामा भी किया है। जी, हिंदू संगठन के लोग ज्यादातर मात्रा में जो है वो इकट्ठा हो गए, आस पास के जितने लोग जो भी हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग इकट्ठा हो गए। उन लोगों के इकट्ठा होने से और भीड़ इकट्ठा हुई इसीलिए ये मामला उजागर हुआ है, इसी को लेकर के जो है इसमें FIR दर्ज हुआ और तीन लोगों को जो है पुलिस ने इनके दबाव में ही सस्पेंड किया है और वैसे इस समय जो है तो ठीक है, लेकिन यहाँ के IG और पुलिस कप्तान एडिशनल SP सभी लोग मौके पर हैं, कई थानों की फोर्स लगी गई है, एहतियात के लिए PSC भी बुला ली गई है, लेकिन स्थिति अब इस समय सामान्य है। जी पारसनाथ, इस पूरे मामले का खुलासा किस प्रकार से हो पाया, कुछ विस्तार से बताइए। जी, इस पूरे मामले का खुलासा ये मृत गौवंश जो है ये इसका सर कटा हुआ था तो गाँव के लोगों ने देखा कि इसको जो किसी ने इसको काट दिया है तो उसको लेकर के गांव के लोगों ने पहले पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस जब नहीं पहुंची तो गांव के छोटे छोटे जो संगठन है गांव के वो ये हिंदू संगठन है और तमाम संगठन है ये लोग आए बहुत थोड़ी मात्रा में, तो उन्होंने फिर से पुलिस को सूचना दी तो पुलिस के लोग पहुंचे, लेकिन पुलिस को उसको उस पर ना कोई कार्रवाई किए ना जांच पड़ताल किए, उसको सीधे अपना जिसे पुलिसिया रोब है उसको दिखा करके इसको दफन करा दिए। तो जो दफन करा दिए उसको लेकर के जो संगठन के लोग हैं काफी मात्रा में लगभग हजारों की संख्या में जो है इस संगठन के लोग इकट्ठा होना शुरू हुए, उस दबाव में पुलिस ने आकर के और इस तरह से ये खुलासा हुआ कि वो उसके बाद उसको जमीन से दफन किया गया, निकलवाया गया, निकलवाने के बाद ही पता चला कि हाँ उसका सर अलग है, धड़ अलग है, तो उसमें गौकशी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया पारसनाथ हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए।
मुजफ्फरनगर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें 25 वर्षीय युवक ने अपनी पड़ोसन की एक साल की बकरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। बकरी के चिल्लाने की आवाज सुनकर पहुंची महिला ने जब आरोपी युवक को पकड़ने की कोशिश की तो उसे धक्का देकर मौके से फरार हो गया, जिसके चलते महिला ने थाने में पुलिस को नामजद लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर जांच के बाद पुलिस ने तुरंत इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले की अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी अर्पित विजय वर्गीय ने बताया है कि इस संबंध में पुलिस ने जांच के उपरांत तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी इस मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये कल थाना चरथावल क्षेत्र में शाम को एक सूचना आई थी, जिसमें सलमा नाम की महिला ने थाने में ये सूचना दी थी कि उसकी एक बकरी जो कि जिसकी उम्र करीब एक वर्ष है, उसके साथ पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है, उसने गलत काम किया है। इस संबंध में पुलिस ने जांच उपरांत जो वादिया है उसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया था और जो जिसमें इसने आरोप लगाया था उसको गिरफ्तार किया गया और अग्रिम विधिक कार्रवाई भी प्रचलित है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर मुजफ्फरनगर में दिन निकलते ही खेत पर देवता पूजन को जा रही एक महिला के पैर में लूट का विरोध करने पर ही बदमाशों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। और गोली की आवाज सुनकर खेत में काम कर रहे आसपास के ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हुए और घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके चलते तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जंगल में काउंसलिंग अभियान भी चलाया है, लेकिन कोई सफलता पुलिस के हाथ नहीं लगी है। दरअसल मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के मदीनपुर गांव का है, जहां आज सवेरे एक महिला ममतेश अपनी ननद मंजू के साथ खेत पर देवता पूजन के लिए जा रही थी। उसी दौरान दो हथियारबंद बदमाशों ने महिलाओं को आंतरिक कर उसके साथ लूटपाट करनी चाही, लेकिन नहीं होने पर जिसका विरोध किया महिला ने और बदमाशों ने उसको पैर में गोली मार दी, जबकि ननद मंजू ने ही पास ही के खेत में घुसकर जहां अपनी जान बचाई तो वहीं गोली की आवाज सुनकर खेत में काम कर रहे आसपास के ग्रामीण जब मौके पर इकट्ठा हुए तो बदमाश ने रफू चक्कर वहां पर हो गया और घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराकर बदमाशों की धरपकड़ शुरू कर दी है। सर, एक महिला के पैर में गोली मारी गई है, क्या है पूरा मामला? हाँ, वो एक ममतेश, श्रीमती ममतेश हैं, उनके पैर में पिंडली पे गोली लगी हुई है, फायर आर्म इंजरी है, खतरे से बाहर हैं और उसमें दो टीमें गठित की गई हैं और जल्दी से जल्दी घटना का नावरण। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया कुछ लग रहा है, कुछ बातें मिसमैच हो रही हैं, उसको पुलिस टीम उसको सही से विवेचना करेगी ताकि सही घटना का नावरण हो सके। और इसी खबर पर मुजफ्फरनगर से संवाददाता संजीव कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, दिन दहाड़े गोली चल रही है, महिला के पैर पर गोली लगी है और किस कारण ये गोली चलाई गई है, बदमाशों का अभी तक पता चल पाया है, क्या अपडेट है? जी, मैं बताना चाहूंगा पूरा मामला। बुढ़ाना थाना क्षेत्र का मदीनपुर गाँव का है, जहाँ पर एक दो महिलाएं देवता पूजन के लिए अपने गाँव में जा रही थी, तभी दो अज्ञात बदमाशों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने लूट के इरादे से महिलाओं को समझे के बल पर आतंकित करने का प्रयास किया और लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया, तभी महिलाओं के विरोध करने पर बदमाशों ने महिला के पैर में गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। वहीं घायल महिला की अदन्य दादी ने खेत में छिप कर अपनी जान बचाई और खेत में काम कर रहे किसानों को बताया, उसके बाद किसानों ने मौके पर पहुंचे और घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। जी संजीव, जिस तरह से बताया जा रहा है कि पैर पर गोली मारी गई है, क्या इसमें कोई आपसी रंजिश के चलते ये गोली चलाई गई है? जी, बताना चाहूंगा महिला को पैर में गोली मारकर घायल किया गया है, यह पूरी घटना लूट के इरादे से की गई थी। वही घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बदमाशों की तलाश के लिए जंगलों में पुलिस द्वारा घंटों तक पहुंचने भी की गई है, मगर पुलिस के हाथ अभी भी कुछ नहीं लग पाया है और घायल महिला का जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। जी,
जी संजीव, महिला जो घायल महिला है उसके परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पर? बात अगर घायल महिला के परिजनों की, तो परिजनों का कहना है कि महिला खेत में देवता पूजन के लिए जा रही थी। जैसे कि आज गंगा स्नान के एक दिन पहले देवता पूजन किया जाता है, तो उस समय खेत में अज्ञात बदमाशों द्वारा महिला के साथ लूट करने का प्रयास, द्वारा महिला को गोली मारी गई। हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। हाथरस में नगर पालिका परिसर में भीषण आग लग गई है और जिससे नगर पालिका सुरक्षा कर्मियों में भगदड़ मच गई है। नगर पालिका परिसर में ही आग लगने की सूचना पर दौड़ी दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। आपको बता दें कि देर रात नगर पालिका परिसर में पड़े कबाड़ में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। तो आपको बता दें, हाथरस से खबर है जहां पर नगर पालिका सुरक्षा कर्मियों में भगदड़ मची हुई है। बताया जा रहा है कि भीषण आग अज्ञात कारणों के कारण लगी है। हालांकि अभी तक आग लगने का कारण साफ नहीं हो पाया है। वहीं जानकारी ये भी है कि आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है और फिलहाल मामले की जांच जारी है कि आग किस कारण लगी है। आपको बता दें, देर रात की घटना है जहाँ पर भीषण आग लग गई थी। कबाड़ में बताया जा रहा है कि यह आग लगी है, लेकिन आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और इसी खबर पर हमारे साथ हाथरस से संवाददाता दीपेश ठाकुर जुड़ चुके हैं। दीपेश, क्या अपडेट है? हाथरस में नगर पालिका सुरक्षा कर्मियों में भगदड़ बताई जा रही है। जी, मैं आपको बता दूं कि नगर पालिका परिसर में जो कबाड़ पड़ा था पीछे की तरफ, उसमें अचानक आग लग गई। अचानक आग लगने से सुरक्षा कर्मियों को उसके बारे में पता लगा, तो वहाँ भगदड़ मच गई। भगदड़ मचाने के बाद तुरंत ही नगर पालिका के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को उसकी सूचना दी और उसके बाद फायर ब्रिगेड ने आधा घंटों की मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया है। उसी के साथ नगर पालिका में अभी इस चीज की चर्चा भी है कि आग आखिर किस कारण लगी है, कौन क्या वजह रही आग लगने की, इसकी अभी जाँच चल रही है। आग पर कब तक काबू पा लिया गया था दीपेश? मैं आपको बता दूं, आग पर करीब 2.5 से 3 घंटे के बीच में काबू पाया गया था। बड़ी बड़ी आग लगी थी कबाड़ खाने में और उसी के चलते बहुत देर बाद तो पता लगा। उसके बाद जब फायर ब्रिगेड पहुंची तो उसने लगातार लगने के बाद में आग पर काबू पाया। जी दीपेश, जैसे बताया जा रहा है कि सुरक्षा कर्मी वहां पे घबराए हुए नजर आए थे। जी मैं बता दूं, सुरक्षा कर्मियों घबराए हुए नजर आए। उसमें ये है कि अचानक एक तरीके से अगर आग लग जाती है नगर पालिका के प्रांगण में, जहाँ एक तरफ कबाड़ा पड़ा हुआ है उसमें आग लग गई, तो जैसे ही सुरक्षा कर्मियों को पता लगा तो वो अस्तमित आग को देखकर घबरा गए। दीपेश, आसपास के लोग जो वहाँ पर मौजूद थे उनका क्या कुछ कहना है इस पर? इस बारे में लोगों का कहना है कि अज्ञात कारणों से आग लगी है, इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। वहाँ जो दुकान नगर पालिका के प्रांगण में भी थी, उन लोगों ने भी कोशिश करी कि आखिर आग कैसे लगी, इस बात का भी बताने के लिए लोगों ने कुछ अपने बारे में नहीं बताया। जी दीपेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ चेकिंग के दौरान हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं कुख्यात बदमाश ने पुलिस को गोलियां बरसाई हैं। आपको बता दें कि जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई है। और आपको ये भी बता दें कि हत्या के मामले में बदमाश फिरोज अहमद वांछित चल रहा था और वहीं पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पुलिस को एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। कर्चना पे विगत 17 अक्टूबर को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा, तथा उसके शव के पहचान छिपाने के लिए उसका सिर तथा गुप्तांग इन्हें शरीर से पृथक करके उसमें आग भी लगा दी गई है। तत्काल इस घटना के संबंध में पुलिस टीमें सक्रिय हुई तथा इसके सफल अनावरण हेतु सीओ कर्चना के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। जो घटनाक्रम है उसमें एक व्यक्ति सूरज गुप्ता, जो कि बक्सर बिहार के रहने वाले थे, उनकी हत्या, एक व्यक्ति फिरोज अहमद जो कि थाना कर्चना के पसदेरवा का रहने वाला है, इसने अपने दो
साथियों के साथ मिलकर कर दी थी। जो फिरोज अहमद है ये एक अभ्यस्त अपराधी है जिसपे करीब 2 दर्जन मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। असम के हेलाकांडी में एक स्कूल की नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 7 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। हेलाकांडी के लाला पुलिस थाने में ही स्कूल के प्रधान अध्यापक ने इस मामले को लेकर FIR दर्ज कराई थी और इसके आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। थाना प्रभारी ए ने बताया है कि आरोपी युवकों के खिलाफ पोक्सो के तहत केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि जहां पर थाना प्रभारी ए बसुमतारी ने बताया है कि आरोपी युवकों के खिलाफ पोक्सो के तहत जो है वो केस दायर कर दिया गया है। तो आपको बता दें असम से खबर है, जहां पर असम के हेलाकांडी से खबर सामने आई है। स्कूल की नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में 7 युवकों को गिरफ्तार किया है। हेलाकांडी के लाला पुलिस थाने में ही स्कूल के प्रधान अध्यापक ने इस मामले को लेकर FIR दर्ज करवाई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। थाना प्रभारी ए बसुतमारी ने भी बताया है कि आरोपी युवकों के खिलाफ पोक्सो के तहत ही केस दर्ज किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।